प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। आज शाम के अध्ययन के लिए रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय खोल लें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। आप में से जो पहली बार ये सुन रहे हैं, आप पूछेंगे कि रोमियो की पत्री ये क्या नाम है, कैसा नाम है। भाई, आज से 2000 साल पहले आज के नाम तो चलते नहीं थे, और आज के नाम यदि प्रभु के आने में देर हुई तो आज से 5000 साल बाद नहीं चलेंगे। तो आज से 2000 साल पहले रोम नाम की जगह पर जो लोग थे उनको एक 8वां अध्याय रोम नाम की जगह पर लोगों के लिए लिखा गया था। बहुत लंबा पत्र था, लंबे पत्र को अपन हिंदी में पत्री बोलते हैं। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय को हम देखेंगे। पिछले हफ्ते अपन ने 7वें अध्याय से अध्ययन किया था, और 7वें अध्याय में हमने जो मुख्य बात देखी थी वो बात ये थी कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, तब प्रभु उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, उद्धार प्रदान करते हैं, एक नया स्वभाव प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये मुक्ति और ये नया स्वभाव उसको प्रदान कर दिया जाता है तो उसका ये नश्वर शरीर बदल नहीं दिया जाता। प्रभु उसको इसी नश्वर शरीर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसके पीछे प्रभु का अपना कारण है। और मनुष्य जब तक इस नश्वर शरीर में है, तब तक इस शरीर में जो पाप स्वभाव है वो भी इस शरीर में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु का जो सच्चा अनुयायी है, जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नया जीवन पाया है, वो इस शरीर में दो स्वभाव के साथ जी रहा है। आप कहेंगे दो स्वभाव? जी हाँ, एक नया स्वभाव जो प्रभु ने उसको दिया है और एक पुराना स्वभाव जिसको लेकर उसने जन्म लिया है। इन दोनों स्वभावों के बीच में संघर्ष होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसका उदाहरण मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि जिस व्यक्ति ने भी जीवन में धूम्रपान छोड़ा है या मद्यपान छोड़ा है, वो इस बात को जानता है कि छोड़ने के बाद कितने महीनों तक, कितने सालों तक इन दोनों चीज़ों के बीच में संघर्ष होता रहता है। इसी तरह से जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसके जीवन में पुराना जो स्वभाव है और नया स्वभाव है, इनके बीच में संघर्ष चलता है। ये हमने 7वें अध्याय में देखा। 8वें अध्याय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बातें देखते हैं। 8वें अध्याय का पहला पद इस तरह से कहता है, अब जो प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य जिसने इस पृथ्वी पर एक पापी के रूप में जन्म लिया, वो मनुष्य जब इस बात को समझ जाता है कि मैं पापी हूँ, और जब इस बात को समझ जाता है कि प्रभु यीशु इस संसार में पापियों को मुक्ति प्रदान करने के लिए आए थे, किसी नए धर्म को चालू करने के लिए नहीं। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि आ जाओ मैं एक नया धर्म चालू कर रहा हूँ, इसमें भर्ती हो जाओ। नो, प्रभु के इस संसार में आने का लक्ष्य था, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी सृष्टि हो, तुम इस नश्वर शरीर में
पाप के साथ संघर्ष कर रहे हो, पाप से भरा जीवन बिता रहे हो, पाप की सजा है मृत्यु, तुम सदा सर्वदा के लिए मृत्यु में चले जाओ, ये मैं नहीं चाहता, और इस कारण मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए इस संसार में आया हूँ, जिससे कि सूली पर मेरे बलिदान के द्वारा तुम एक नया जीवन पा सको। ये आठवां अध्याय आरंभ में जो श्लोक है या जो पद है वो इस बात को याद दिलाता है कि जो प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका क्या मतलब है? जिस व्यक्ति ने भी इस बात को पहचाना है कि मैं एक पापी हूँ, और जिस व्यक्ति ने भी ये पहचाना है कि मैं अपने पाप का इलाज स्वयं नहीं कर सकता, मैं पाप का हल स्वयं नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जब इस बात को समझ जाता है कि संसार के सृष्टा स्वयं प्रभु मनुष्य के रूप में जब इस संसार में आए तो उनके पधारने का एकमात्र लक्ष्य मुझे और आपको पाप की सजा से छुटका कर एक नया जीवन छुटकारा देकर एक नया जीवन देना है। और जब हम इस बात को पहचान कर प्रभु के चरणों के पास जाकर जब प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये बात मैं अच्छी तरह से, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं इस बात को समझ गया हूँ कि मैं अपने स्वयं के प्रयत्नों से, अपने कर्मों से अपना उद्धार, अपनी मुक्ति नहीं कर सकता, और इसलिए प्रभु आपने सूली पर जो बलिदान दिया है मेरे लिए उसके द्वारा मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, तब मुझे और आपको वो नया जीवन या वो मुक्ति मिलती है। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया था कि आज से बहुत साल पहले जब मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई कि मेरे बेटे तुमने इस संसार में जन्म लिया है, इस कारण तुम पापी हो, और ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये जब सारी बातें जब मुझे उन्होंने बताई तो उनके सामने घुटने टेक कर मैंने प्रभु से ये याचना की कि प्रभु मैं समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं ये भी समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन दिया है, मुझे मेरे पापों से क्षमा कीजिए, मैं प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मुझे मुक्ति या उद्धार प्रदान कीजिए। उस समय मेरे जीवन में एक नई खुशी आई, एक नई आशा आई, मुझे नया जीवन मिल गया। ये नया जीवन या इस नए जीवन का अनुभव यहाँ बैठे हुए बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने किया है। आज यदि सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इस नए जीवन के बारे में नहीं जाना है, या जिस नए जीवन के बारे में सुनने के बाद भी इस नए जीवन को प्राप्त नहीं किया है, तो उस व्यक्ति से मेरी याचना है, उस व्यक्ति से मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है कि मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपको इस सभा में लाने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु के द्वारा ये मुक्ति जो आपको प्रदान की जाती है उस मुक्ति को आप प्राप्त करें। दूसरा उद्देश्य यह है कि उस मुक्ति को प्राप्त करने के बाद आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे कि प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के द्वारा आप दिन प्रतिदिन प्रभु के निकट, प्रभु के पास जा सके, प्रभु और फाइनली पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के समान या इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हाँ, एक परेशानी जरूर होती है, हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है वो लगातार हमको प्रभु से दूर खींचता है, ये जीवन भर का संघर्ष है। लेकिन ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन की एक विशेष बात है, जिस क्षेत्र में भी वो उन्नत लेवल पर जाना चाहता है वहाँ संघर्ष होता है। यदि विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है तो उसको जीवन भर पढ़ाई लिखाई के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बिना नंबर थोड़ी आएंगे। आत्मिक जीवन भी ऐसा है, प्रभु ने हमको जान कर इस संसार में रखा है जिससे कि पाप के साथ दिन प्रतिदिन संघर्ष करके हम पाप से भरे हुए जीवन को छोड़कर धर्म से भरे हुए जीवन की तरफ जा सके। अंतर यह है
कि प्रभु ने अपनी स्वयं की आत्मा, पवित्र आत्मा को हमें दिया है, जो इन बातों में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, अब जब इस तरह से हम जीवन बिताना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है, इसके बारे में एक दो बातें बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चूंकि ये संदेश बहुत सालों से लोगों को सुनाता आ रहा हूँ, तो कई बार लोग मेरे पास आके कहते हैं कि शास्त्री सर, एक बड़ी विकट समस्या है। समस्या क्या है? पुरुष कहता है कि देखिए सर, आज से 3 महीने पहले मैं प्रभु यीशु का अनुयायी हुआ, प्रभु के द्वारा मैंने मुक्ति पाई, तब से मेरे सोचने का तरीका बदल गया है, मेरी बोली बदल गई है, मेरे कर्म बदल गए हैं, लेकिन अब घर में शांति नहीं है। तो जब मैं उससे पूछता हूँ कि मेरे छोटे भाई, मेरे पुत्र, मेरी बहन, पुत्री, क्या हुआ, जरा विस्तार से बताओ तो सही, तो जवाब आता है कि सर या बड़े भाई, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने से पहले मैं शराबी था, कबाबी था, लुच्चा था, गाली गलौच करता था, घर आके रोज शाम को पत्नी की के साथ मारपीट करता था, लेकिन आज से 3 महीने पहले जब मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, तो मेरी बोली बदल गई। जहां मैं मुंह खोलते ही गाली देता था, उस मुंह से अच्छी बातें निकलने लगी, मेरे कर्म बदल गए, मैं दोस्तों, जो अच्छे दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा, घर पे जो मारपीट करता था वो बंद कर दी, मैंने मद्यपान बंद कर दिया, धूम्रपान बंद कर दिया। और सर या बड़े भाई, अब परेशानी क्या है कि हमारी पत्नी खुश नहीं है। जब तक हम मद्यपान करते थे, घर पे आके जम के मारपीट करते थे, गाली गलौच करते थे, तब तो वो कुछ नहीं बोलती थी। अब मैंने सब छोड़ दिया है, तो वहाँ गाली गलौच चालू हो गया है कि तुमने ये किस व्यक्ति के अनुयायी हो गए, तुम्हारा जीवन बदल गया, क्या हो गया, मेरे जीवन में शांति नहीं है। बहनें आकर इसी तरह से शिकायत करती हैं कि शास्त्री सर या बड़े भैया, आज से कुछ साल पहले मेरा जीवन ऐसा था कि कम से कम 4 गाली बोले बिना मैं पति से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और यदि वो रोटी बनाने को बोलता था तो मैं जली कटी रोटी उसके सामने रख देती थी, नमक जबरदस्ती सब्जी में एक्स्ट्रा डाल के देती थी, वो कुछ बोल नहीं पाता था। आज से 3 महीने पहले जब से मैंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता माना है, जब से मैं प्रभु की अनुयायी हो गई हूँ, तब से गाली गलौच मैंने बंद कर दी है, पति के साथ इज्जत से पेश आती हूँ, बच्चों के साथ प्यार से पेश आती हूँ, एक चपाती चाहिए तो घी से चुपड़ी हुई 4-4 चपातियाँ मैं उसको देती हूँ, और नमक कम से कम 10 बार टेस्ट देख लेती हूँ, बच्चों से पूछ लेती हूँ कि नमक सही है क्या, उसके बाद अच्छी सब्जी अपने पति के सामने परोसती हूँ, मैं बदल गई हूँ, तो अब वो गाली गलौच करते हैं। जब मैं गाली गलौच नहीं करती, जब करती थी तो वो चुपचाप बैठे रहते थे, अब मैं सुधर गई तो उन्होंने गाली गलौच चालू कर दिया है। ऐसा होता है क्या, आप पूछेंगे? जी हाँ, ऐसा होता है, कई परिवारों में ऐसा होता है। अब सवाल यह है कि जब एक व्यक्ति अपने सब प्रकार के कुकर्म छोड़कर, बुरे कर्म छोड़कर, जब सब प्रकार की हिंसा को छोड़कर, जब मारपीट को छोड़कर, मद्यपान को छोड़कर, धूम्रपान को छोड़कर, जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुयायी हो जाता है, तो ये मुसीबतें क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण हमने पिछले अध्याय में देखा, हर व्यक्ति के अंदर पाप का स्वभाव है, और जब एक व्यक्ति सुधर जाता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुयायी हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति, अब उसका स्वयं का पाप का स्वभाव उसको परेशान करता है, दूसरे व्यक्ति जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, या तो आपकी पत्नी या आपका पति,
उसके अंदर जो पाप का स्वभाव है वो भी सर उठा लेता है कि अच्छा ये भक्त मैं उसको दबा के ही रहूंगा, मैं उसको खत्म करके ही रहूंगा, ये होता है। तब दूसरी बात आती है कि यदि ऐसा है तो प्रभु अपने बच्चों को इस तरह के अन्याय से होकर क्यों गुजरने, ये तो सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय है कि जब तक हम मारपीट करते थे, लुच्चे थे, तब तक तो घर पे कोई बोलता नहीं था, और अब हम सीधे साधे संत हो गए तो हमारे साथ जो घर में ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण है। वो कारण हम इस अध्याय के 28वें पद में पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु का जो भी अनुयायी है उसको ये 28वां पद जरूर याद कर लेना चाहिए। यहां हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से मतलब प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जिस बात को भी आने के लिए प्रभु ने अनुमति दी है, याद रखें प्रभु की अनुमति के बिना मेरे आपके जीवन में पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रभु की अनुमति से आपके जीवन में जो कुछ हुआ है वो प्रभु का वचन कहता है ये सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते। मिलकर भलाई उत्पन्न करती है का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है अब उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है, और यदि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु जो बातें भेजते हैं वो एक प्रकार का मिक्सचर है, उसमें मसाला भी होगा, नमक भी होगा, मिर्च भी होगा, बेसन भी होगा, तेल भी होगा, सब कुछ होगा। जब ये मिक्सचर आता है तब उसका रिजल्ट अच्छा होता है। पिछले हफ्ते तक हमारे घर में कुछ काम चल रहा था। काम क्या चल रहा था? पुताई भी चल रही थी और उसके साथ साथ थोड़े से टाइल्स जो टूट गए थे उसको बदलना था, थोड़ी सी और जगह पे टाइल्स डालना था। तो शुरू से सुबह से लेकर शाम तक आवाज के कारण बड़ी बुरी स्थिति होती थी। जब वो बिजली के आरे से टाइल्स को काटता था तो ऐसी दर्दनाक आवाज होती थी कि कुछ पूछिए मत। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, अंत में क्या हुआ? अंत में हमारे घर को आके देखें तो आकर्षक हो गया। जहां टूटा हुआ टाइल था वहां नया टाइल आ गया, जहां मिट्टी थी वहां भर दिया गया, उसके ऊपर भी टाइल डाल दिया। बरसात में भी अब आप चल सकते हैं, वरना बरसात में बड़ी परेशानी होती थी। चप्पल बदलो, बाहर वाला चप्पल पहनो, अब आप आराम से चल सकते हैं। देखने में सुंदर हो गया, देखने में आकर्षित हो गया, लेकिन देखने में सुंदर और आकर्षित उस चीज को तैयार करने के लिए जिन चीजों का उपयोग प्रभु ने किया उनको कितने दर्दनाक स्थिति से होकर गुजरना पड़ा, ये बात मैं याद दिलाना। काटा गया, पीटा गया, शेप दिया गया। जब मैंने उससे पूछा कि भैया ये तुम काट पीट जो कर रहे हो ये जरा दिखाओ, तो बोला कि शास्त्री सर संभल के हाथ लगाना, धार बहुत है। इतना ही नहीं, इसकी सहायता से जब कड़ी चीज को काटते हैं और उसको जब हम शेप देते हैं तो मनुष्य जिस कड़ी से कड़ी जिस चीज को जानता है, डायमंड, उसके टुकड़े लगे हुए हैं जिसकी सहायता से उसको घिसा जाए। तो देखिए, एक सुंदर आकर्षक अच्छी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसको काटना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, उसको शेप देना पड़ता है। थोड़े से लोहे का काम भी हुआ था, और लोहे का काम जब हो रहा था तो जो कारीगर काम कर रहा था उससे मैंने कहा कि भैया ये दिखाओ, तो दिखाया। मैंने कहा अरे ये तो फाइबर मालूम पड़ता है। वो बोले सर जल्दबाजी में आप हाथ ना रखें उसके ऊपर, ये देखने में फाइबर मालूम पड़ता है लेकिन इसके अंदर भी डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो उसके सामने जो कुछ आता है उसको घिस के
चिकना करके उसको पॉलिश कर देता है। तो याद रखें, जो चीज अपने आप में देखने में सामान्य है, जो रफ है, उसको एक आकृति देने के लिए, उसको चिकना करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए दर्द उसको देना पड़ता है। लोहे का टुकड़ा जीवित नहीं होता है, टाइल जीवित नहीं होता। और अब यदि वो जीवित होता तो आप हाथ लगाने जाते, वो टुकड़ा भाग जाता आपके सामने से। टाइल यदि जबरदस्ती है आप उसको काटते, वो जिंदा होता तो चिल्लाता वहां पे कि बचाओ बचाओ बचाओ, जिंदा मुझे काट रहे हैं। ये एक उदाहरण है इस बात का कि जो भी सामान्य चीजें हैं उसको लेकर एक उत्तम शेप देने के लिए, एक उत्तम या सर्वोत्तम अंतिम रूप देने के लिए काट पीट और रगड़ाई होती है। इसी तरह से मैं और आप जो इस पापमय शरीर में जन्मे हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से पाप से भरा हुआ है, उनको जब प्रभु यीशु के द्वारा एक नया जीवन दे दिया जाता है, तो उस नए जीवन को फिर एक नया रूप देना जरूरी है। इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। मुझे और आपको प्रभु यीशु के द्वारा एक नया जीवन मिल चुका है, लेकिन एक नया रूप धीरे 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 आता है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में से होकर हमको गुजरना पड़ता है। और जब प्रभु हमको उस प्रक्रिया में से होकर गुजरते हैं, तब जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न लाता है। हे प्रभु, जब मैं कुकर्मी था, नालायक था, तब तो सब मुझसे दूर रहते थे, और अब मैं भक्त हो गया हूँ, अच्छा हो गया हूँ, ईश्वर का भय मानने लगा हूँ, तो सब मेरे सर पे चढ़े आते हैं। इतने ही नहीं, मुझे शांति नहीं देते हैं। मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ तो पत्नी घर पे जो है भयानक नाटक शुरू कर देती हैं, बर्तन पटके जा रहे हैं और कुर्सी जो है खड़खड़ाई जा रही है, मेज पे लात मारी जा रही है। क्यों हे प्रभु? पत्नी कहती है कि हे प्रभु, जब मैं चार गाली के साथ जली भुनी रोटी अपने पति को परोसती थी, तब तो चुपचाप बैठ के, बिल्कुल गऊ के समान बैठ के वो खाना खा लेते थे। अब मैं अच्छी रोटी परोसने लगी हूँ, घी चुपड़ी हुई अच्छी रोटी, अच्छा खाना जिसमें नमक मिर्च मसाला सब बैलेंस्ड है, संतुलित है। अब पति गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या कारण है प्रभु? कारण क्या है मैं बताऊं? प्रभु जिस तरह से एक मिस्त्री एक कलाकार भी होता है, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मिस्त्री किसी चीज को लेकर उसको एक फाइनल आकृति देता है, तो इस आकृति देने के कारण एक मिस्त्री एक कलाकार भी है। इस विश्व का जो रचयिता है, वो धीरे 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 हमको नया जीवन देने के बाद हमें जो बन जाना चाहिए उस ओर हमको ले जा रहे हैं। और उस ओर हमको ले जाने के लिए काटना जरूरी है, पीटना जरूरी है, मोड़ना जरूरी है, रगड़ना जरूरी है, सब कुछ करना पड़ता है। एक बात बताएं, हथौड़े छेनी के बिना सुंदर पत्थर का घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। हथौड़े छेनी के बिना एक पत्थर को लेकर एक कलाकार एक सर्वोत्तम मूर्ति बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। आरी और काटने की अन्य चीजों से काटे पीटे बिना लकड़ी का कोई आकर्षक लकड़ी की वस्तु बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। जीवन में जो भी आकर्षक है, जो भी एक आकर्षक रूप की ओर जा रहा है, उसके पीछे ना केवल बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा दर्द भी है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण
जो मैं कई बार संदेश में दे चुका हूं। आप लोगों ने देखा होगा, केरल में कई घरों में जाते हैं तो कई अमीर लोगों के घर में आप जाएं, तो जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड में गोल 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 पत्थर पड़े रहते हैं, देखने में बहुत आकर्षित, बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये बोरियां भर भर के बेची जाती हैं और जिसके पास पैसा है वो लाके अपने घर के सामने डालता है, जिससे कि घर का आकर्षण बढ़ जाए। ये गोल गोल पत्थर ये कहाँ से आते हैं? ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं क्या? जी नहीं, इनको नदियों और समुद्र से बटोरा जाता है। अच्छा, तो नदी और समुद्र में ये अपने आप बन जाते हैं क्या? जी नहीं, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है? अच्छा, हर तरह की नदी में ये होते हैं क्या? नहीं होते, ये सिर्फ उस प्रकार की नदियों में मिलते हैं जो नदियां पर्वतों से निकलकर आती हैं। पर्वतों से निकलने वाली नदी में चिकने पत्थर क्यों होते हैं? इसलिए कि पर्वतों के से जब नदी निकलती है तो गर्मी के दिनों में पर्वत का जो पत्थर है वो एकदम गर्म होके जब तप जाता है और बरसात का पानी जब उस गर्म पत्थर पर गिरता है तो पत्थर चटक जाता है। अगली बरसात में चटके हुए ये टुकड़े पानी में बहने लगते हैं। पत्थर को तोड़कर तोड़ा हुआ टुकड़ा आप में से किसी ने देखा है क्या? अपन सबने देखा है। उत्तर भारत में तो पत्थर का काम बहुत होता है, मकानों में पत्थर बहुत लगता है। पत्थर को जब हथौड़े से या छेनी से काट कर तोड़ दिया जाता है, उसका सिरा जब तोड़ देते हैं, वो टूटा हुआ टुकड़ा वो गोल गोल होता है क्या? जी नहीं, धारदार होता है। उसको उठाकर अपन टेबल पर लाकर रखते हैं क्या? नहीं रखते, उसका उपयोग कुछ और काम के लिए होता होता है क्या? होता है। जब ठंड के दिनों में पैर के नीचे का पोर्शन रगड़ना होता है तब अपन पत्थर उठा के बाथरूम में लाके रखते हैं या स्नान घर में रखते हैं, रखते या नहीं है। और पैरों में जब कड़े कड़े बहुत ही पैर कड़ा हो जाता है तो वो पोर्शन इस पत्थर से रगड़ा जाता है, पत्थर के टुकड़े से। क्यों? वो इतना धारदार होता है, इतना रफ होता है, इतना खुरदुरा होता है कि हमारे पैर को वो अच्छी तरह से घिस देता है। लेकिन यही पत्थर जब नदी में आगे बढ़ता है और जब उसके साथ सैकड़ों पत्थर नदी के पानी के बहाव के कारण आगे बढ़ते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नदी, हजारों किलोमीटर लंबी नदी, जब उसमें ये पत्थर सुबह शाम रगड़ते 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 जब आगे पीछे बढ़ते हैं, क्या होता है? आपस में रगड़ने के कारण उनका जो खुरदुरा सरफेस है वो स्मूथ होने लगता है, वो चिकना होने लगता है। उनके जो धारदार किनारे हैं वो किनारे किनारे का धार किनारे की धार कम होने लगती है। इवन शहर में ये देख सकते हैं, ये सड़क बनाने के लिए जो पत्थर के पीसेस जिसे जनरली मेटल कहा जाता है वो लाकर कहीं डाल देते हैं, उसके ऊपर से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं निकलती हैं, कुछ समय के बाद वो चिकना होने लगता है। आपस की रगड़ के कारण उसकी उसकी सतह चिकनी होने लगती है, उसमें जो धार है वो हटने लगती है। एग्जैक्टली इसी तरह से मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप, हमने प्रभु में एक नया जीवन तो पाया है लेकिन हम उस पत्थर के समान हैं जो चट्टान से टूट कर निकला है। हाथ लगाओ तो हाथ कट जाएगा और यहाँ रगड़ दो तो चमड़ी निकल जाए। ऐसे एक व्यक्ति को, मतलब जो मृत्यु के अधीन है, उस व्यक्ति को उठाकर उसका एक नया जीवन देकर उसके बाद उस व्यक्ति की रूपरेखा बदलना जरूरी है। जब प्रभु के द्वारा हमें नया जीवन मिला, उस नए जीवन को देने के बाद प्रभु हमको 10, 20, 50 या 80 साल या 100 साल इस पृथ्वी पर इसलिए रखते हैं
कि जिस तरह से चट्टान से टूटे हुए वे टुकड़े एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर फाइनली बहुत ही आकर्षक, बहुत ही चिकने, मनमोहक गोल गोल पत्थर बन जाते हैं, उसी तरह से मुझे और आपको मेरे मुक्ति पाने के बाद, आपके मुक्ति पाने के बाद अगले 10, 20, 40, 50 या 80 साल प्रभु हमको एक नया रूप दे रहे हैं, एक नया रूप दे रहे हैं। इसलिए यदि प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद यदि आपके दोस्त आपका उपहास करें, आपकी पत्नी यदि आपका विरोध करे, आपका पति यदि आपका विरोध करे, यदि आपके माँ बाप आपका विरोध करें, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएं, इन सब के पीछे कारण है। प्रभु ने ऐसा होने दिया है। क्यों होने दिया है? प्रभु ने ऐसा इसलिए होने दिया है, 28वें पद में हम देखते हैं, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। क्या मतलब? मेरे और आपके जीवन में जिस तरह से चट्टान से निकले हुए वे टुकड़े मिलकर आपस में एक दूसरे को शेप देते हैं, एक मन भावना रूप देते हैं, उसी तरह से आत्मिक जीवन में आने के बाद जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, तमाम तरह की परेशानियां आएंगी। ये सब प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में इसलिए होने दिया है जिससे कि मेरे और आपके जीवन का रूप बदल जाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने, दूसरे को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति से बदलकर हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो दूसरे को ना केवल चोट से बचाव करते हैं बल्कि उसको आनंद प्रदान करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब बच्चे लोग पिकनिक पे जाते हैं तो यदि ऐसी नदी के किनारे वो चले जाते हैं जहाँ इस तरह के चिकने पत्थर, गोल गोल पत्थर हैं, तो बहुत सारे बच्चे इन पत्थरों को उठाकर अपने थैलों में डाल लेते हैं। मैंने देखा है, मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने देखा है, इतने नहीं मैंने भी किया है। मैं भी बचपन में पहली बार जब पिकनिक पे गया तो एक पथरीली नदी के किनारे हमको स्कूल वाले पिकनिक पे ले गए, मैं तो पागल हो गया क्योंकि मैं शुरू से ही ड्राइंग और ऐसी चीज़ों में मेरी बड़ी रुचि थी, प्रकृति में रुचि थी। तो जाओ देखो वहाँ गोल गोल पत्थर और कोई रोक टोक नहीं, जिसको जितना उठाना है उठा सकता है। तो मैंने तो बहुत सारे पत्थर अपने थैले में भर लिए थे। मेरी टीचर ने पूछा भी कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया कि पत्थर? मैंने कहा कि टीचर जी मुझे उठा लेने दीजिए। टीचर अच्छी थी, उन्होंने जरूर ये कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया कि, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। वो पत्थर मेरे साथ आए, कुछ को मैंने टेबल पे रखा, कुछ को इधर इधर उधर रखा। अभी पिछले हफ्ते हम घर की सफाई कर रहे थे पुताई के लिए, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, मतलब एक दादा की उम्र हो गई है, मतलब 5 साल पहले हम सठिया गए थे, 60 के हो गए थे, अब तो 65 के हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने बचपन में जो पत्थर उठाया था उसमें से एक पत्थर अभी भी मेरे कलेक्शन में है। उसको देख के मैंने सोचा रखूँ या फेंकूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र इन चीज़ों के लिए ख़त्म हो गई। फिर मैंने सोचा चलो पड़े रहने दो, जिंदगी भर अपना साथी रहा, अब उसको क्या फेंके। क्यों वो पत्थर इतना आकर्षक हो गया? आज इसलिए आकर्षक है कि बचपन में उठा लाए थे। बचपन में क्यों आकर्षक हो गया? इसलिए कि वो चिकना है, गोल है, देखने में आकर्षक है। मैं और आप जब प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं उस समय हम आकर्षक नहीं होते हैं, उस समय हम प्रभु के बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जीवन में बहुत बदलाव आना जरूरी है, इसलिए प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आने के लिए प्रभु अनुमति देते हैं। एक दोस्त जो हमेशा गाली गलौज करता है, एक पत्नी जो हमेशा हमको पीड़ा देती है, मतलब हम बदल गए उसके बाद से पीड़ा देने लगी, एक पति जो हम बदल गए तब से हमको पीड़ा देता है, जब घर जाते हैं माँ बाप को बताते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु का अनुयायी हूँ, मैं अब गाली नहीं देता, मैं अब गुस्सा नहीं करता,
पिताजी नाराज, माताजी नाराज, क्यों ये प्रभु इन चीजों को होने देते हैं? इसलिए कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, और यहां लिखा है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं इसीलिए तो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। प्रभु से प्रेम करते हैं इसीलिए तो संध्या के समय बैठकर आपस में फालतू गपशप करने के बदले इस तरह की संगति में आए, इस तरह के सत्संग में आए। हम सब प्रभु से प्रेम करते हैं, और इसलिए हम सबके जीवन में ये प्रश्न बार बार आ सकता है कि प्रभु ये परेशानी क्यों, वो परेशानी क्यों, वो परेशानी क्यों, और प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, मेरी नौकरी में क्यों परेशानी आ रही है, मेरे प्रमोशन में क्यों परेशानी है, हे प्रभु मैं तो सुबह से शाम मेहनत करता हूं लेकिन मेरा मालिक कभी खुश नहीं होता है। प्रभु मेरा मालिक खुश है तो मुनीम मेरी बुराई करता है, मुनीम खुश है तो मेरे साथी मेरी बुराई करते हैं, होता है क्या? हम सबको अपने जीवन में इन बातों से होकर गुजरना पड़ता है, तब ये प्रश्न हमारे मन में आता है, प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, इस संसार के सृष्टिकर्ता ने मुझे मुक्ति दी है, प्रभु इसके बाद आप बचाव नहीं करेंगे क्या? प्रभु बचाव करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का एक और उद्देश्य हमारे जीवन में है, यह हमको समझना चाहिए। उद्देश्य क्या है? कि मुझे आपको रगड़ रगड़ कर एक नया शेप देना। ये बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज मैंने आपको उदाहरण दिया था नदी के पत्थरों का, लेकिन सिर्फ नदी के पत्थर ही नहीं होते हैं। आप जानते हैं क्या कि ना केवल नदी के पत्थर एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, बल्कि मनुष्य भी पत्थरों को काट कर उसको रगड़ता है, उसको शेप देता है। सुना है क्या आपने कभी? अरे ये जो आप केरल में कहीं भी चले जाएं तो जहां टाइल्स बेचते हैं वहां पर संगमरमर मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े नजर आते हैं, ना केवल मार्बल ग्रेनाइट के भी टुकड़े नजर आते हैं। उस टुकड़े को उठाकर उसका सिरा देखें, वो चिकना होता है क्या? नहीं होता है, वो तो खुरदरा होता है, लेकिन उसका ये सिरा, ये साइड एकदम से स्मूथ होता है, हाथ रखो तो फिसल जाए, ऐसा कैसे होता है? इस ग्रेनाइट को काटा जाता है बाकायदा, बिजली की मशीनों से काटा जाता है, संगमरमर को बिजली की मशीनों से काटा जाता है। काटने के बाद विशेष प्रकार की मशीनों से उसको घिसा जाता है, पॉलिश किया जाता है। पिछले दिनों मैं उसका एक वीडियो देख रहा था जहां मार्बल काटा जाता है, वहां ऐसी भयानक आवाज होती है कि लोग ऐसे बड़े बड़े कान को कवर करने वाली चीजों को लगाकर वहां उसकी कटिंग करते हैं, और यदि आप ना लगाएं तो कुछ महीनों में आप बहरे हो जाएंगे। तो इतनी भयानक यातना उस पत्थर को देते हैं वो लोग जिससे कि उसको काटा जाए, और फिर जहां उसको घिसते हैं वहां तो उससे भी भयानक है। तो ना केवल प्रकृति में हम देखते हैं, बल्कि मनुष्य भी जब एक सामान्य चीज को लेकर सुंदर और आकर्षक बनाने की कोशिश करता है तो यंत्रों की सहायता से घिसना पड़ता है। तो यदि एक छोटी सी चीज, एक संगमरमर, एक ग्रेनाइट जो आज है और कल नहीं है, उसको मनुष्य जब इस तरह से कड़ाई से घिस कर काट कर आकृति देता है, तो मेरे और आपके सृष्टा जो मुझे और आपको शाश्वत जीवन प्रदान कर चुके हैं, हमको अनंत काल तक अपने साथ रखने के लिए, आप जरा सोचिए कितना अधिक हमको रगड़ेंगे, कितना अधिक घिसेंगे, कितनी अधिक काट पीट करेंगे। यह है जो रोमियो 8:28 में लिखा है, मेरे बच्चे यह सब आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम घर जाओगे जब लोगों को बताओगे कि मैं तो प्रभु यीशु का अनुयायी हूं, तो कल तक जो लोग खुश थे वो नाराज हो जाएंगे, वो गाली गलौज करने लगेंगे।
पत्नी को जाके बताओ वो गाली गलौज, पति को जाके बताओ वो गाली गलौज, दोस्त वो लोग उपहास करेंगे, लेकिन ये सारी बातें मिलकर हमको एक नया रूप देती हैं, उसके लिए प्रभु ने रखा है। और इसलिए प्रभु का वचन बताता है या कहता है कि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इस बात को समझने के लिए प्रभु आपकी मदद करें, क्योंकि इस बात को समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। कई बार लोग चिड़ियों को पालने के लिए पकड़ लेते हैं, कुछ चिड़ियाँ बड़े आराम से उस पिंजरे में रह जाती है ये सोचकर, इस बात को जान के कि संघर्ष करना बेकार है। कुछ चिड़ियाँ क्या करती हैं, इधर नोचा उधर नोचा, इधर से निकलने की कोशिश, इधर से निकलने की कोई, 4-5 घंटे के बाद उसका हाथ मुंह सब लहू लुहान हो जाता है। यही आत्मिक जीवन में प्रभु ने जो अलव किया है वो आपकी भलाई के लिए अलव किया है। संघर्ष ना करें, संघर्ष करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें। प्रभु ने जो कुछ आपके जीवन में होने के लिए अनुमति दी है उसे होने दीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर आसरा रखिए, प्रभु की शक्ति का उपयोग कीजिए, जिससे कि ये चीज़ें प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको एक नया रूप दे सकें। क्लोजिंग में मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आज जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनमें यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो हम में से किसी से बात कीजिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु के द्वारा आप इस नए जीवन को पा सकते हैं। आज की सभा में प्रभु ने हमारी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।